सो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि पूरा का पूरा लकी ब्लॉक से बना हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लॉक माइन करने से हमें कुछ भी सामान मिल सकता है। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी हैं। सो अपना फर्स्ट गोल है एक बहुत ही प्यारा सा घर बनाना, अपना दूसरा गोल है एक बहुत ही ऑसम सा विलेज बनाना एंड फाइनली वेदर को डिफीट करना। सो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन लकी ब्लॉक ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 1 पे हम लोग स्पॉन हुए इस वर्ल्ड में और इस वर्ल्ड में ग्रास भी लकी ब्लॉक के थे और भाई ने एक स्लाइम को मारा और वहां से उसको एक बहुत ही ऑसम सा शवल मिल गया। और भाई ये कोई ऐसा वैसा शवल नहीं था, इसमें हर एक एन्चेंटमेंट 10 लेवल तक थी। सो जल्दी से हमने उस शवल को कलेक्ट किया और चले गए बहुत सारे और ग्रासेस तोड़ने के लिए जहां से हमें बहुत ही ओपी सामान मिल रहे थे, जैसे कि बहुत सारे गोल्ड के ब्लॉक्स और मुझे तो एक नेदराइट का पिकैक्स तक मिल गया। फिर यार इतना अच्छा सामान मिलने के बाद हम लोग अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाए और बहुत सारे हमने ग्रास तोड़े और हमें बहुत ही ओपी सामान मिल गए थे। बहुत सारे ग्रासेस तोड़ने के बाद हम लोग जल्दी से अपने पास वाले ट्री के पास गए और बहुत सारे वुड काट लिए। और फिर यार भाई को एक लॉयल्टी 3 वाला ट्राइडेंट मिला था जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम था, क्योंकि ये ट्राइडेंट इसके आसपास घूम रहा था इसके बॉडीगार्ड जैसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था। सो यार देन हमने जल्दी से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया एंड अपने पास बहुत सारे बॉटल ऑफ एन्चेंटमेंट थे जिससे हम लोगों ने अपने लेवल्स बढ़ा लिए। फिर काफ़ी ज़्यादा रात होने की वजह से हम लोग चले गए एक विलेज की तलाश में, क्योंकि अपने पास सारा सामान ओपी सा तो है लेकिन अपने पास एक बेड नहीं है। तो फिर काफ़ी देर घूमने के बाद हम लोग को एक विलेज मिल गया एंड देन हम लोग जाके आराम से सो गए। नेक्स्ट डे हमने पूरा विलेज को एक्सप्लोर किया और सारे चेस्ट को लूट लिया। और यार एक चेस्ट से तो हमें 3 एमरल्ड भी मिल गए थे, इसका मतलब समझ रहे हो हम लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुके हैं अब। तो यार इसके बाद भाई ने मुझे एक क्रॉस बो दिखाया जो कि और भी ज़्यादा ऑसम था, क्योंकि उसमें हर एक एन्चेंटमेंट 10 लेवल तक लगी हुई थी। तो मैंने उससे आयरन गोलम को मारने की कोशिश की बट आयरन गोलम ने यहाँ पे उल्टा बहुत सारे स्लाइम्स को मारा था जिससे मुझे खतरनाक सी चीज़ें मिल गई थी। तो यार सबसे पहले हमें 2 बहुत ही ऑसम हेलमेट एंड यहाँ पे एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल तक मिल गए थे। लेकिन यार इतना कुछ होने के बाद भी अपने पास ऐसा खाना नहीं था जिसको हम लोग खा सकें, अपनी भूख मिटा सकें। तो हम लोग चले गए काफ़ी सारे हेबल्स कलेक्ट करने के लिए एंड इनफ हेबल्स कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने सारे हेबल्स का यहाँ पे बहुत सारा ब्रेड बना लिया। और यार इसी बीच हमें ये भी पता चला कि इस वर्ल्ड में एनिमल्स को मारने पे भी हमें लकी सामान मिल सकते हैं। तो बस उसके बाद हम लोग चले गए बहुत सारे एनिमल्स मारने, बहुत सारे ब्लॉक्स माइन करने और बहुत सारे ग्रास माइन करने, जहाँ पे मुझे एक बहुत ही अजीब सा लकी ब्लॉक दिखा जो कि असल में श्रूम लाइट था, लेकिन उसको भी अगर माइन करते तो हमें लकी सामान मिल सकते हैं। फिर ये करते करते दोबारा से रात हो गई थी तो मैं चला गया सोने के लिए एंड सुबह को मैंने देखा कि भाई के पास एक फुल्ली इंचेंटेड इलाइट्रा था जिसका वो मज़ा उठा रहा था एंड पूरा जगह घूम रहा था। एंड मैंने उससे थोड़ा बहुत कहा कि प्लीज़ मुझे इलाइट्रा दे दे एंड मिलने के बाद मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन यार मैं उतना भी ख़राब भाई नहीं हूँ, मैं आया वापस और उसको इलाइट्रा दे दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने ही रख लिया इलाइट्रा, नहीं नहीं। पर यार इसके बाद भी मैंने अपना एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रखा क्योंकि मुझे भी एक खतरनाक सा इलाइट्रा चाहिए था। बट इसी बीच एक क्रीपर ब्लास्ट हो गया एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सामान अपने पास स्पॉन हो चुका था। सो यार एक तरफ से ये अच्छा हुआ क्योंकि हमें बहुत सारे सामान एक ही बार में मिल गए जिसको मैंने जल्दी से कलेक्ट कर लिया एंड अपने पास यहाँ पे बहुत सारे डायमंड थे, बहुत सारे यहाँ पे अपने पास नेदराइट थे। तो डायमंड से हमने सारा आर्मर बना लिया और नेदराइट से पूरा आर्मर को नेदराइट का कर लिया एंड फाइनली अब अपने पास फुल्ली एन्चेंटेड नेदराइट का आर्मर था। बस इसमें प्रोटेक्शन 10 नहीं लगा हुआ था। वैसे अगर प्रोटेक्शन 10 चाहिए तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लकी ब्लॉक माइन करने पड़ेंगे एंड वो हम लोग बाद में ऑब्वियसली करने वाले हैं। सो अपने पास यहाँ पे सब कुछ था, अपने पास यहाँ पे आई ऑफ एंडर था, बहुत सारे इंचांटेड गोल्डन एप्पल थे एंड यहाँ पे नेदराइट का आर्मर भी था। तो हम चले गए ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। और वैसे यार हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रो है और हम लोग ड्रैगन को विदाउट आर्मर भी डिफीट कर सकते हैं, बस डर लगता है कि हार्डकोर में मर ना जाए। सो फाइनली काफ़ी देर एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम लोग को मिल चुका था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोर्टल एंड यहाँ पे भाई को एक बहुत ही ऑसम सा बूट मिला था जो कि उसने मुझे दे दिया एंड ये ऑसम सा बूट में सारे एन्चेंटमेंट थे। तो उस बूट को कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए एंड रूम में एंड यार एंड रूम भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम था क्योंकि पूरा का पूरा सामान यहाँ पे लकी ब्लॉक से बना हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा था। एंड इसके बाद हमने पोर्टल को एक्टिवेट किया और चले गए एंड में। और भाई हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था, पूरा एंड भी लकी ब्लॉक का बना हुआ था और वो भी कौन सा रेनबो लकी ब्लॉक जो कि बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक सा लग रहा था। तो हम जल्दी से बहुत सारे लकी ब्लॉक को तोड़ लिए, बहुत सारे सामान भी कलेक्ट कर लिए एंड देन चले गए सारे क्रिस्टल्स को फोड़ने के लिए। एंड सारे क्रिस्टल्स तोड़ने के बाद अपना मेन फाइट शुरू हो गया एंडर ड्रैगन के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि अपने पास इतना ओपी एन्चेंटेड बो एरो एंड पिकैक्स था एंड स्वॉर्ड था कि उसको बहुत ही इजीली हमने मार दिया एंड सारे लेवल्स भी कलेक्ट कर लिए। वैसे हमें पता नहीं है कि इस लेवल का करेंगे क्या।
तो इसके बाद हम लोग चले गए एंड सिटी ये चेक करने के लिए कि क्या एंड सिटी भी यहाँ पे लकी ब्लॉक का बना हुआ है, और अगर बना हुआ है तो कैसा लकी ब्लॉक का है। तो हम लोग चले गए एक्सप्लोरेशन के बहुत देर तक एंड फाइनली हमें एंड सिटी भी मिल गया, बट ये नॉर्मल साइंस सिटी था तो इसको देख के हम लोग थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। पर यार अब आ गए तो लूटना तो बनता है, तो हम लोग जल्दी से सारे एंड सिटी को लूट लिए और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा सामान मिल गया, और हमने यहाँ पे इलाइट्रा भी को भी कलेक्ट कर लिया, और एक एंड सिटी में तो हमें बहुत ही ऑसम सा स्वॉर्ड भी मिल गया था। तो हमने जल्दी से जल्दी एंड सिटी को लूटा एंड चलाया अपने घर वापस, और फाइनली हमने यहाँ पे एंडर ड्रैगन को भी डिफीट कर लिया, वो भी इतने कम टाइम के अंदर। सो इसके बाद अपने पास काफ़ी सारे फालतू के सामान थे जो कि हमें चाहिए नहीं थे, और अपने इन्वेंट्री का स्पेस बढ़ा रहा था, तो हमने जल्दी से यहाँ पे दो चेस्ट बनाया और सारे फालतू के सामान उसके अंदर रख दिए। फिर यार हम लोग चले गए बहुत सारे और वुड काटने के लिए एक बेस बनाने के लिए, क्योंकि यार यहाँ पे काफ़ी सारे स्लाइम हैं और वो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सो इनफ ओक होने के बाद हमने एक छोटा सा एरिया को कवर किया, उसको पूरा अच्छे से सारे ग्रासेस को हटा दिए, एंड अब ये अपना बेस होने वाला है एंड इसके अंदर ही हम लोग सारे बिल्ड्स करने वाले हैं। और यार ग्रासेस हटाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। सो इसके बाद हम लोग जल्दी से गए, बहुत सारे वुड अपने पास बाकी थे जिससे हमने काफ़ी सारे चेस्ट बना लिए एंड सारे चेस्ट को प्लेस करके एक चेस्ट एरिया बना लिया, एंड फिर हमने पूरा बेस को लाइट अप कर दिया जैसे कि अपने बेस के अंदर कोई भी मॉब ना स्पॉन हो पाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे एक बेस तैयार है जहाँ पे हम लोग आराम से रह सकते हैं। सो इसके बाद हमें पता चला कि हम सैपलिंग को लकी ब्लॉक के ऊपर डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं, एंड अपने पास यहाँ पे वुड की काफ़ी ज़्यादा कमी थी क्योंकि हमने सारे विलेजर्स के घर ही को उड़ा दिया वुड के लिए। तो हमने जल्दी से छोटा सा एरिया बनाया और बहुत सारे सैपलिंग प्लेस कर दिए, एंड अब फाइनली हमें वुड की कमी तो नहीं होने वाली है। सो इसके बाद हम इधर उधर घूम रहे थे और भाई ने एक बहुत ही ऑसम सा चीज़ नोटिस किया कि अगर आप लकी ब्लॉक को हो करते हो तो वहाँ पे आप फार्मिंग भी कर सकते हो, और ये देख के भाई हम लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। लेकिन यार जल्दी से हमने काफ़ी सारे ओक वुड को कलेक्ट किया एंड एक छोटा सा एरिया बना लिया गया जहाँ पर हम लोग वीट फार्म कर सके। और यार आप सोच रहे होगे कि हमें वीट की क्या ज़रूरत है, तो भाई अपने पास यहाँ पे कोई भी परमानेंट फूड सोर्स नहीं है जिसको हम लोग खा सकते हैं, इसलिए हमें वीट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ब्रेड बनाने के लिए। सो फाइनली अपना यहाँ पे ट्री फार्म बन के भी रेडी था, और अपना यहाँ पे वीट फार्म बन के भी रेडी था, और अपना ट्री फार्म में तो एक ट्री भी ग्रो हो चुका था, तो जल्दी से हमने काफ़ी सारे वुड भी कलेक्ट कर लिए। इसके बाद हमने एक चीज़ नोटिस की कि अपने आर्मर में यहाँ पे अनब्रेकिंग 10 तो लगा हुआ है पर उसका कोई काम नहीं आ रहा, क्योंकि अपना आर्मर जो है वो जल्दी जल्दी टूट रहा है, और भाई का तो काफ़ी जल्दी टूट रहा था क्योंकि वो स्लाइम के साथ फाइट कर रहा था, तो इसका मतलब हमें चाहिए मेंडिंग। तो मैंने एक पोर्ट बनाया और चले गए हम लोग जल्दी से काफ़ी सारे विलेजर कैप्चर करने के लिए, और ये विलेजर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पहले तो बोट के अंदर नहीं बैठ रहे थे लेकिन मैं जब दूर गया ना तो बैठ गए। सो फिर हमने जल्दी से दो विलेजर को अपने घर लाया एंड उसको अपने घर के अंदर ही बंद कर दिया, एंड अब ये लोग कभी भी भाग नहीं सकते। सो इसके बाद हम लोग जल्दी से चले आए लेक्टन लेके, एंड एक विलेजर को हम लोगों ने मेंडिंग वाला बनाने की कोशिश तो की पर ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, ये मेंडिंग हमें दे ही नहीं रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद ये फाइनली हमें मेंडिंग दे रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों में। पर यार क्या ही कर सकते हैं, अब ये विलेजर का यहाँ पे मोनोपोली है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जल्दी से काफ़ी सारे मेंडिंग के बुक ले लिए, एंड अब हम लोग के पास फाइनली आर्मर रहेगा जो कभी टूट नहीं सकता। सो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे ही मेंडिंग ट्रेड कर लिए थे, हम लोग के पास बीच में एमरल्ड भी ख़त्म हो गए थे, तो हम लोग चले गए बहुत सारे लकी ब्लॉक को माइन किया एंड हमें काफ़ी सारे एमरल्ड भी मिल गए, एंड आप देख सकते हो अपने पास बहुत सारे एमरल्ड अभी भी बाकी है। सो हमने जल्दी से एक एनविल बनाया और सारे अपने आर्मर और टूल्स पे मेंडिंग लगा दी, एंड फाइनली अब अपना सबसे ऑसम आर्मर कभी भी टूट नहीं सकता। और यार अगर ये टूट जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगेगा क्योंकि इसमें हर एक चीज़ 10 में लगी हुई है, मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा पावरफुल है। देन इसके बाद हम लोग चले गए अपने फार्म को हार्वेस्ट करने के लिए, काफ़ी सारे हमने वीट हार्वेस्ट किए, सारे हम लोगों ने सीड को रीप्लांट भी कर दिए, और यहाँ तक कि हम लोग के ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके थे तो उनको भी हमने माइन कर लिया। देन यार हमने ध्यान ही नहीं दिया था, हम लोग यहाँ पे लकी ब्लॉक को माइन कर रहे थे और हमें यहाँ पे बेड रॉक मिल गया, मतलब समझ रहे हो एक ऐसी चीज़ जो हम लोग सर्वाइवल माइनक्राफ्ट में कभी ले ही नहीं सकते, बेड रॉक वो तक हमें मिल गया था। तो हमने एक बेड रॉक प्लेस किया और यार ये टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो हमारे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक सा आइडिया आया, हमने एक छोटा सा जेल बनाया और उसमें एक स्लाइम को बंद करके रख दिया, और इसका मतलब है भाई कि कभी भी ये स्लाइम बाहर ही नहीं निकल सकता, मतलब यार बेचारा स्लाइम हमेशा के लिए कैद हो गया। फिर हमने अपने चेस्ट में देखा और अपने पास काफ़ी सारे वुड थे पर एक भी घर नहीं था, तो जल्दी से हमने अपने घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया।
सो यार फाइनली जो अपना घर है वो बन के हो चुका है रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। मतलब पूरा वर्ल्ड लकी ब्लॉक से बना हुआ है और अपना घर जो है वो पूरा ओक से, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। एंड घर के अंदर अपने पास एक सीक्रेट रूम भी था जहाँ पे आप जल्दी से जा सकते हो और भाग सकते हो। मतलब यार ये एस्केप रूट हमने जस्ट मस्ती के लिए बनाया था, लेकिन यार ये काफ़ी ज़्यादा ही मस्त लग रहा है। तो आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना आप घर को 10 में से कितना रेट देना चाहोगे। एंड इसके बाद अपने पास काफ़ी सारे यहाँ पे ऑब्सीडियन थे, तो जल्दी से हमने एक जगह को माइन किया अपने घर में और सारे ऑब्सीडियन प्लेस करके एक नेदर पोर्टल बना लिया। और यार हम लोग नेदर में जा रहे थे एक ऐसी चीज़ की तलाश में जो कि नेदर के अलावा और कहीं भी नहीं मिल सकता हमें। हम जा रहे थे यहाँ पे क्रिम्सन वुड ढूंढने के लिए जो कि नेदर के बिना और कहीं भी नहीं मिल सकता। और यार पूरा नेदर भी यहाँ पे लकी ब्लॉक से बना हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा था। मतलब लकी ब्लॉक से बनने के बाद यह नेदर बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और मिस्टीरियस सा लग रहा था। तो फिर यहाँ पे हमने थोड़े बहुत क्वार्ट्स माइन कर लिए क्योंकि यार इस वर्ल्ड में नॉर्मल काम करना काफ़ी ज़्यादा अब नॉर्मल है। एंड देन काफ़ी सारे फालतू काम करने के बाद हम लोग डायरेक्टली चले गए क्रिम्सन फॉरेस्ट में और बहुत सारे रेडवुड कलेक्ट कर लिए। और यार ये वुड हम लोग इसलिए कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि हम लोग को अपने विलेज को रीब्रांड करना था और बहुत ही ज़्यादा ऑसम लुक देना था। फाइनली काफ़ी सारे क्रिम्सन वुड कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। सो अब फाइनली टाइम था विदर मानने का, लेकिन यार विदर मानना इतना भी ज़्यादा ईजी नहीं होने वाला। देखो ये पूरा वर्ल्ड जो है वो लकी ब्लॉक से बना हुआ है और विदर जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है, और अगर ये वर्ल्ड में हम लोगों ने उसको डायरेक्टली समन किया तो पूरे वर्ल्ड में इतने सारे सामान आ जाएंगे कि हम लोग का वर्ल्ड ही क्रैश कर जाएगा। सो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना काफ़ी देर तक यहाँ पे माइन किया जाए और बहुत सारे बेडरॉक कलेक्ट किए जाए, एंड उस बेडरॉक से हम लोग एक एरिया बनाएंगे जहाँ पे विदर को स्पॉन करेंगे एंड उसको मार देंगे। सो हमने ठीक ऐसे ही किया, काफ़ी सारे हम लोगों ने बेडरॉक कलेक्ट कर लिए, एक छोटा सा हमने चेंबर बना लिया एंड अब फाइनली इस चेंबर में हम लोग विदर को स्पॉन कर सकते हैं और मार सकते हैं। सो विदर को स्पॉन करने के लिए अपने पास सारे चीज़ें पहले से थी, तो जल्दी से सब चीज़ को हमने प्लेस किया, विदर के स्कल को भी फाइनली हमने प्लेस कर दिया एंड विदर जो वो स्पॉन हो चुका था। एंड यार अपने इतने ज़्यादा इंटेलिजेंस की वजह से अब विदर जो वो जितने भी तबाही मचाए इस एरिया के बाहर नहीं जा सकता और कभी भी लकी ब्लॉक को नहीं तोड़ सकता है। एंड थैंक्स टू आवर आर्मर एंड आवर टूल्स की इतना ही ज़्यादा ऑसम पावरफुल था कि जल्दी से जल्दी हम लोगों ने विदर को मार दिया। और इसी के साथ अपने वर्ल्ड में दो गोल कंप्लीट हो चुके हैं, पहला जो है वो अपना घर बनाना एंड दूसरा है विदर को डिफीट करना। और एज अ बोनस हमें विदर स्टार भी मिल गया, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने पास 64 बीकन्स हैं। सो यार इसके बाद अपने पास एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आया, हमने सोचा कि क्यों ना एक विलेजर को सिल्टच वाला बनाया जाए। सिल्टच का पिकैक्स है, हम लोग यहाँ पर लकी ब्लॉक को माइन करेंगे एंड लकी ब्लॉक का एक घर बनाएंगे। और यार काफ़ी देर तक विलेजर के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो विलेजर फाइनली हमें सेल टच दे दिया, जिसको जल्दी से हमने कलेक्ट किया और एक पिकैक्स स्किल टच का बना दिया। एंड यार अब हम लोग जा रहे थे जल्दी से जल्दी बहुत सारे लकी ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए, लेकिन हमें क्या पता था कि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सेल टच के पिकैक्स से हमने लकी ब्लॉक को माइन किया और फिर भी वो हमें बहुत सारे बेकार से आइटम ही दे रहा था, और इसका मतलब ये है कि अपना पोपट हो गया। सो यार इसके बाद हमने सोचा कि हर एक चीज़ के लिए हम लोग विलेजर के घर को तोड़ रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है क्योंकि ये विलेजर ही है जो हमें हेल्प कर रहे थे इतनी देर, एंड इसीलिए हमने जल्दी से विलेजर के लिए घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यार काफ़ी देर की मेहनत के बाद फाइनली अपना विलेज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। एंड आप देख सकते हो तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अपने बेस के साथ विलेज को कनेक्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग को कभी भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा एंड कभी भी मॉन्स्टर्स या स्लाइम के साथ फाइट नहीं करना पड़ेगा।
और यार हमने हर एक ब्लॉक को यहाँ पे क्रिम्सन का कर दिया है, मतलब हर एक वुड को क्रिम्सन का कर दिया, जिसके वजह से ये लकी ब्लॉक के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। और यार ऐसे ही करके अपने 100 डेज यहाँ पे हो चुके थे कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, और ये सब वीडियो भी बहुत ज़्यादा ऑसम है, ये सब भी आप देख सकते हो।